वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मंत्रा. दिस इज रूही मणि बिफोर ऑफ यू गाइस. जैसे कि हम पर डे स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का पार्ट. ओके, सो करंट अफेयर का सेक्शन को आज देखते हैं, जो भी आज से रिलेटेड, जो भी हमारी आज है 11 जुलाई. ठीक है, 11 जुलाई से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद फुल डिटेल्स, जैसे कि मैं डेली कराती हूँ. एंड गाइज, अपना थोड़ा सा ये जो कल की हमारी क्विज थी वो हम इन लास्ट देखेंगे, कुछ मतलब पूरा सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में देखेंगे कि कल का विनर कौन है, और आज की क्विज भी मैं सेक्शन के लास्ट में दूंगी. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. जो भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सभी आपको मिलेगी विद फुल डिटेल्स. सो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कितने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं गाइस. ओके, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट के, मतलब टोटल कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो हुए हैं 11 MOU पर हस्ताक्षर. टोटल 11 पर हुए हैं, लेकिन कई बार पॉइंट बनाकर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो वो कैसे पूछेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में MOU पर कितने हस्ताक्षर हुए हैं. ठीक है, तो वो 5 हुए हैं. ओके, तो अभी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि MOU क्या है. MOU की फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. सो आप ये लिख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ यूनिवर्सिटी. ओके, यहाँ क्या आया है, दक्षिण कोरिया एंड इंडिया. ठीक है, भारत की बात हुई है तो दक्षिण कोरिया की मतलब कैपिटल की बात करते हैं. कैपिटल क्या है, सियोंग. दक्षिण कोरिया के करेंसी की अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन बॉन्ड. ओके, एंड इनके PM जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए हैं उनका क्या नाम है, सून से इन. ओके, जो मैं लास्ट क्वेश्चन इसका बता चुकी हूँ. ओके, सो डियर, इतना कंप्लीट होता है. दक्षिण कोरिया और एक है मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बनता है. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको आप लोग याद कर लेना. बोलते हैं 38 पैरल. ओके, 38 पैरल, तो ये आप लोग याद रखना थोड़ा. ठीक है डियर, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सो ये हुए हैं जेरेमी हंट. ओके, नए सचिव नियुक्त हुए हैं. इससे पहले कौन थे ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन के हाल ही में किस सचिव ने इस्तीफा दिया है. ठीक है, तो ये दिया है बोरिस जॉनसन ने. ठीक है, ये ब्रिटेन के, अभी ये कल के क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था कि डेविड डेविस इन्होंने इस्तीफा दिया है किससे, ब्रिक्स से. तो ब्रिक्स से परेशान होकर, उसकी समस्याओं से परेशान होकर ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन से इस्तीफा दिया है, और अभी नए बने हैं जेमी हंट जो विदेश सचिव बने हैं ब्रिटेन के, और ये हैं ब्रिक्स से. ओके, तो ये इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में AIU के नए अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष है प्रोफेसर संदीप संचेत. ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बोल रही हूँ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी. ओके, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी. अगर हमने ये पढ़ा है तो इसकी स्थापना कब हुई थी हमें ये भी पता होना चाहिए. 1935 में इसकी स्थापना हुई थी AIU की. ओके, और इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दूरदर्शन मंत्रालय ने वोडाफोन और किस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो वोडाफोन के साथ में और किस कंपनी को दी है, ये दी है आइडिया को. ओके, दूरसंचार मंत्रालय ने दी है, तो दूरसंचार मंत्रालय के मंत्री का हमें पता होना चाहिए कि दूरसंचार मंत्री कौन है, उन्हें मनोहर सिन्हा. ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना कि दूरसंचार मंत्री कौन है, मनोहर सिन्हा है. अभी वोडाफोन और आइडिया कंपनी की बात हुई है तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. अभी आप वोडाफोन के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, वोडाफोन की स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. ओके, एंड नेक्स्ट है गाइस, आइडिया की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1995 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई. ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली डबल स्टैंड ड्वार्फ कंटेनर सेवा किस स्टेशन से शुरू की है? तो ये की है राजकोट स्टेशन से. डबल स्टैंड ये जो लिखा हुआ है ड्वार्फ कंटेनर, ये क्या होता है आप लोग को मैं पिक दिखा देती हूँ. ठीक है, इसमें देखिए, जैसे कि ट्रेन बनी हुई है डबल, मतलब एक जैसे हम लोग सिंपली बोलते हैं 2 मंजिला. ठीक है, तो ये डबल कंटेनर की है. आपने देखा होगा कई बार ट्रेन में कंटेनर भी लगे हुए होते हैं, और ये ऊपर नीचे बनी हुई है, और ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, आपको ये भी याद रखना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राजकोट की बात हुई है तो राजकोट कहाँ है, तो ये है गुजरात में. ओके, गुजरात में है राजकोट, और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर. ओके, सो
माय डियर, अभी देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत का पहला पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है नई दिल्ली में। ओके, पर्यटन, अब ये समझ में आ रहा है पहला पर्यटन मार्ट आयोजित करने का निर्णय लिया गया है तो ये क्या है। 16th of September से स्टार्ट होगा। ओके, और 16th September से ये 3 दिन तक चलेगा और ये इसको स्टार्ट किया जा रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नई दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इसके सीएम कौन है, मतलब अरविंद केजरीवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है दिल्ली ने। ये चीज समझ में आ रही है कि ये क्या है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है? तो इसमें 77,000 तीर्थयात्री मतलब सीनियर सिटीजन जो 77,000 मतलब तीर्थयात्री सीनियर सिटीजन को मतलब तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा और इन तीर्थयात्रियों के साथ में एक हर एक यात्री के साथ में एक बंदा भी जाएगा, जो एक वो आदमी जाएगा जिसकी एज 18 से ज्यादा हो, ठीक है, इनकी देखभाल के लिए, इनकी हेल्प के लिए। ओके, और ये स्टार्ट किया है दिल्ली की सरकार मतलब अरविंद केजरीवाल ने, और इनका खर्च भी कौन देगा, दिल्ली सरकार देगी। ओके, दिल्ली की राज्य सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चीन ने 2 रिमोट सेंसिंग स्टारलाइट PRSS-1 एंड PACTS-1A सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये किस देश से संबंधित है? ये है पाकिस्तान से संबंधित। ओके, अभी हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, सभी लोग जानते हैं इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, हाल ही में DIPP ने आसान कारोबार वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की है, इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसको मिला है फर्स्ट, आंध्र प्रदेश को इसमें फर्स्ट स्थान मिला है। DIPP क्या है ये आप लोग देख सकते हैं, फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पुलिस एंड प्रमोशन। ओके, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ये है DIPP। ओके गाइस, सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रहा फॉर्मेस्लिंग का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये आपका कभी भी आ सकता है। तो ये है किससे है, कैंसर से है, जो फॉर्मेलिन का संबंध किससे है, कैंसर से है, ये आप लोग को याद रखना है। सो अभी देखते हैं, ये हमारी आज की क्विज है, ठीक है, आप लोग को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने थर्माकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर रोक लगा दी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, नन ऑफ दीज। ये आज का क्विज है आप लोग का, सो इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, जो कल की हमारी यस्टरडे क्विज थी वो थी, हाल ही में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ बनाया है? ये बनाया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कल के जो विनर हैं वो विनर हैं विवेक मौर्य। ओके, विवेक मौर्य, जैसे कि आप देख रहे हैं विवेक मौर्य ने इसका आंसर सबसे पहले दिया था। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विवेक, ऑल द बेस्ट एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आई जस्ट विश फॉर यू एंड डियर प्लीज़ ऐसे ही ट्राई करते रहिए। आज की जो क्विज है इसके बिना आप लोग भी बन सकते हैं, तो देखते हैं आज कौन ट्राई करता है सबसे पहले। एंड ऑल द बेस्ट डियर, बाय बाय डियर, टेक केयर गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो डियर, एंड आई नो वेरी वेल कि आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।